अरे के बात भाई, सारा दिन इस फोन में लग गया रहा है। जा ओ कबर ले, लेना पड़ेगा। ले आ साइड देसी बाज के ले, आग देख लिए होगी। अरे तेरे तक कह दो तो मन छड़े हम बैठ जाएगा तो। अरे तेरा तेरा रोज की रोज का यू एक काम हो गया। पकड़े उल्टा बोलना, जिब भी बोलना। देख लो भाई हालत देख लो, इन बड़का की आजकल फोन में सारा दिन लागे रहोगे, उल्टा बोलेंगे, असली काम पे ध्यान नहीं देंगे, घर का पे। अरे ले आया नहीं रहे, देखिए ला फूक ले। एक भी टोड़े माँ को लिकट लिया तू, अब तभी कर रहे। उल्टा नहीं बोले कर दे, काम का काम करे करे भाई। ये घर के सारे गए कर, दिखता नहीं कोई भी। वो अब मेरे बात तो कीर्तन में जा रही है। कीर्तन में जा रही है? बेरा नहीं क्यों हो गया इस दुनिया में भाई, 8 दिन हो गए खलाई अंडा रोज कीर्तन में, कदे किसे का कदे किसे का, रोज का कीर्तन हो गया। तो उसका कीर्तन क्यों हो गया, हमारी जान साखा हो गया। एक बात बता भाई, यू कीर्तन करे कौन हमारा काम में? ओ पंडित नहीं आए करा दे पीला कुर्ता पारिया, पीला कुर्ता वाला लंबी ही चोटी रखे। अच्छा लंबी चोटी वाला पंडित करा रखे, वो करे जुलम हो गया भाई। ठाण में कदी पा पिट है और भाड़ा भर रहा सोनीपत का, माँ बाप तो घर कड़ कड़ मरे और वो कीर्तन करे। न्यू कर भाई लिया मेरी जूती लिया ठहर गए, देखी गए तेने मेरी जूती लिया ठहर गए। वे दिए बाबू काले रंग की? हाँ वो काली जूती लिया। और सफेद पतावे थे उनके? हाँ भी तर पतावे गाल रखे सफेद। और तला चमड़े की तली थी? हाँ चमड़ा की तली वाली। वे तो कौन देखी बाबू? राम राम ताऊ। राम राम ताऊ। राम राम भाई। राम राम किस्मत है। आजा भाई आजा बैठ जा भाई। किस्मत बता, तेरा कुकर आना होया दशहरा आज ताऊ है। अच्छा रावण फूकांगे? हाँ रावण फूक का प्रसाद बांटांगे, 10 रुपये दे दे। 10 रुपये दे दू रहे? हाँ भाई प्रसाद तो 5 का भी आ जाएगा। नुकर फिर तू है? हाँ 4 फोटो 2 ID दे दे। देख रहेगा भाई 5 की तेरी आप डिग रह देंगे। और तेरा भला हो जाए। साहिल भाई श्याम ने तैयार रही है। क्या था भाई, श्याम ने साहिल के सगाई वाले आवेंगे? सगाई वाले को नहीं आंदे। और भाई शान ने कट्ठे क्या था हो गए? जोड़ पे कट्ठे होंगे ताऊ है, छोरिया की सांझी फोड़न खातर है। अरे कोई और भला काम भी करोगे, एकदम छोरिया की सांझी फोड़ते फिरोगे? भाई मधुसूदन ने? हाँ ताऊ गणे दिन में दिखा, तू कड़े जा रहा था? ताऊ मैं सत्संग लेने जा रहा था। ओ तेरा भला हो जाए, तू कड़े फंस गया रहा इनके सत्संग वाले तो सारे जेल में पड़े। अब भाई ले आया। लिया भाई मेरी मरते दे दे। ए भाई किस्मत है? हाँ ताऊ है। तुम रावण तो फूकन की कहो हो? हाँ। तुमने रावण का पता है के था वो? ना ताऊ है। फिर भाई यू झूठा रावण फूकिया तो के फायदा है? झूठा रावण फूक कर प्रदूषण फैलाने वाली बात है मेरे वीरा। हाँ ताऊ है। फिर असली रावण तो सब के भीतर में बैठा, अपना भीतर वाला रावण ने फूको। हाँ। जीव तो कुछ बोला भी फायदा भी हो भाई, यू झूठा प्रदूषण फैलाने तो के फायदा। ठीक है ताऊ है, प्रदूषण तो कौन फैला दे, रावण तो कौन फूक दे। हाँ 10 रुपये तो दे दे। अरे भाई फिर जी रावण ने नहीं फूक दे, 10 रुपया की धार काट दो। आगे उरे रावण फूकेंगे ये। अरे भाई जाके देख लिया ना उरे, वो तो पैजे तो बुला लिया भाई, मैं तो उरे टूक ने भी तरसन उन्हें कीर्तन की पड़ रही है। क्या ना भूखा मरा बाबू, वाह को नहीं आंदी है मेरे की डाल फुल्ली की आली बदल आएगा, 2 समोसे खा ले। बुलाओ जी भाई, जमा जुलम हो रहा है, इन लगाइया ने तो बोर बांध रखे है कीर्तन आलिया ने तो, आज उसके कीर्तन आज उसके कीर्तन आज उसके कीर्तन है। घर बुढ़ा बुढ़िया कटर कटर भूखे मरिया जा मेरे कीर्तन की पड़ रही है। देख ले भाई फिर भी जाए जे तो लबा लिया हूं, देख खा पाएगी जगड़ी। देख ले भाई देख ले, कटर कटर जमा कलजा कट गया। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा देसी बाबू स्वादु छोरा पार्ट 3 था। चौथे पार्ट को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुरेश फौजी को जरूर सब्सक्राइब करें। ये पार्ट आपको कैसा लगा इसकी जानकारी हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। साथियों आप सभी को पता है कि रावण एक बहुत ही विद्वान पुरुष थे, उनके नाम पर प्रदूषण फैलाना बहुत गलत बात है। और एक और अभी प्रथा चली है कीर्तन की, जिसके जरिए बहुत सी औरतें इसी काम में बिजी रहती है। भाई मात पिता की सेवा करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो,
इसका बड़े कोई सेवा नहीं है दुनिया में, मात पिता की सेवा करो अपने और बुजुर्गों की, यही सबका बड़ा कीर्तन है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी नई नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।